थोड़ी देर मालिश करूंगी, थोड़ा सा मतलब मसाज कर देती हूँ ना, फिर थोड़ा इसको वो भी मिलेगा, थोड़ा आराम जैसा मिलेगा ना, रिलैक्स हो ठीक नहीं जाएगा। मिल रहा। नहीं मिल हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से मेरे चैनल में। तो दोस्तों आप जैसा देख रहे हैं ये है एलोवेरा, इसको मैं धो रही हूँ इस बाल्टी में। और ये एलोवेरा इतना क्यों काट रखा है ये बताती हूँ मैं। ये ना आज हम अपने बालों में लगाने वाले हैं। मैं पहले बेबू के बालों में लगा दूँगी क्योंकि आजकल ना बालों में बहुत रूसी हो रही है, तो इससे थोड़ा एलोवेरा से सॉफ्टनेस आएगी, बाल मतलब सिर में नमी बनी रहेगी तो शायद वो नहीं होगा फिर, मतलब ज़्यादा रूसी नहीं जमेगी ना सिर में। हद से ज़्यादा रूखापन आ जा रहा है, जैसे सर्दियाँ स्टार्ट हुई थोड़ा गर्म पानी से धोते हैं बाल, तो शायद इस वजह से भी सिर जो है रूखापन आ जा रहा है और बाल इतने गिर रहे हैं। तो बालों को स्मूथ बनाएगा एलोवेरा और तो सिर को मतलब सॉफ्टनेस देगा, नमी देगा, तो सिर में रूसी कम होगी। तो इसको मैंने धो के रख दिया है, अब इसको जो है अभी काट काट के लगाती हूँ, इसको बीचों बीच से काट के। ये धोया इसलिए है ना क्योंकि इसमें बहुत मिट्टी लग रखी थी, खेतों में था ना ये, तो इसलिए धोया था। तो मैं सबसे पहले लगाती हूँ बेबू के सिर में। तो दोस्तों इसको ना सबसे पहले मैं इसको बीचों बीच काट रही हूँ, ऐसे बीचों बीच काट लूँगी, और बीचों बीच काटने के बाद सिर में रखो। ये थोड़ा ऐसा ऐसा ऐसे करूँगी ना, ऐसे ऐसे करा तो इससे देखो ये ऐसे बन जाता है, ये ऐसे बन जा रहा ना, ये निकल रहा है। तो इसको जैसे निकलते रहेगा, ये जेल जैसा निकलेगा ना, ये लगा दूँगी सिर में। तो ऐसे सब में से ऐसे निकालते रहूँगी मैं। ये ऐसे करती रहूंगी ना, जैसे जैसा निकलते रहेगा ऐसे ऐसे कर लूँ, फिर लगाती रहूंगी। मम्मी अच्छे से लगाना, निकलेगा ही नहीं ऐसे तो। तो दोस्तों इसको ना मैंने लगा दिया है, इसके सिर में इतनी ज्यादा रूसी हो रही थी, इससे शायद थोड़ा फर्क हो जाएगा, अब थोड़ा कम होगा क्योंकि इससे थोड़ा स्मूथ आएगा ना फोबर सिर, थोड़ा वो रहेगा मतलब स्मूथनेस आएगी सिर में इसके, मतलब इसके ये जो सिर होता है ना, ये कपाल इतना ज्यादा रूखा और इतने ज्यादा रूसी 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 डैंड्रफ, हाँ डैंड्रफ रूसी एक ही होता है। अच्छा नहीं लग रहा है रूसी सुनने में। हाँ तो क्या दिक्कत हो रही है, फिर इतना लगा दिया, अब इसको थोड़ी देर मालिश कर देती हूँ, थोड़ी देर मालिश करूंगी, थोड़ा सा मतलब मसाज कर देती हूँ ना, फिर थोड़ा इसको वो भी मिलेगा, थोड़ा आराम जैसा मिलेगा ना, रिलैक्स हो जाएगा। नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा, वहां पता नहीं मिल रहा। गंदा फील हो रहा है, गीला गीला यक, शी मेरे गले के नीचे में लग रहा हो। एक काम कर, एक रबड़ बैंड और चार पांच क्लिप लेके आ, यक हो रहा है। इसको 15-20 मिनट लगा के छोड़ना है, उसके बाद धो देना है नॉर्मल पानी से और ठंडे पानी से, गर्म पानी से नहीं धोना है। मैं तो ऐसे ही करती हूँ। तो अब ना मैं अपने बालों में लगा रही हूँ, इससे तो होगा नहीं मेरे बालों में लगाया हुआ, तो मैं अपने बालों में खुद ही लगा रही हूँ। मेरे बाल आजकल इतने लंबे हो गए हैं, देखो ये यहाँ पहुँच रहे हैं, अंदर बाल लंबे हो गए हैं लेकिन इनकी केयर नहीं हो पा रही है, तो मतलब मेरी भी रूसी हो रही है ना बहुत ज़्यादा, तो लगा लेती हूँ मैं भी, इससे तो लगाया होगा नहीं। कल मैंने बाल धो रखे थे, इसने भी कल धोए थे बाल, तो अब एक बार मैं भी लगा लेती हूँ, इससे तो होता नहीं है ना लगाया हुआ। Thank you.
दो ना। तो दोस्तों मैंने लगभग लगा ही दिया अपने बालों में भी, थोड़ा सा और बचा है। मैं बहुत ज़्यादा काट के लगा रही थी ना, तो जो बचा है इसको भी लगा रही हूँ। और आप लोग भी लगाते हो ना, अगर सिंगल एलोवेरा ही लगाना है आप लोगों ने, तो आप लोग भी ऐसे लगा सकते हैं जैसे मैंने ये किया। एक उसको काट के दो पीस करें, ये किया जैसे गिर जा रहा से, तो इसको ऐसे, ये जो है ना, इसको ऐसे ऐसे चाकू से ऐसे ऐसे करो ना, तो पूरा रस निकल जाता है, पूरा जेल निकल जाता है। ये देखो ये निकल रहा जेल, ऐसे निकल जाता है, ऐसे ऐसे करते रहा। उसके बाद ये सीधे पकड़ के ऐसे अप्लाई किया, सीधे ऐसे। मैंने तो लगा ही दिया है, काफ़ी लगा दिया है। तो फिर और एक बारी जब निकल जाता है फिर दोबारा कर लिया ऐसे ऐसे मैंने ऐसे। मैं तो इसको खा भी लेती हूँ, बीज बीज का जो हिस्सा होता है ना इसको निकाल के खा लेती हूँ। इससे पेट का कब्ज ठीक होता है और बहुत सारी बीमारियाँ ठीक होती हैं ना, जैसे शुगर वालों के लिए तो बहुत अच्छा रहता है बोलते हैं। जैसे भर भर के शैम्पू लगाते हैं, मैंने वैसे ही लगा दिया है। अब इसको आधा घंटा रखने के बाद धो दूँगी। तो दोस्तों एलोवेरा लगाने के बाद देखो थोड़ा साइन जैसी लग रही, बालों में चमक जैसी आ रही है। तो एलोवेरा लगाने का एक फ़ायदा ये होता है ना कि बाल सॉफ्ट हो जाते हैं और जो सिरमा हमारे जैसे रूसी हो जाती है, रूखा सिर हो जाता है, वो ठीक हो जाता है। तो अभी तो बाल सही लग रहे हैं मेरे। अभी शाम को, अब ये बाल जब सूख जाएंगे ना, तो शाम को लगाऊंगी इसमें तेल, ऑयल लगाऊंगी। ऑयल मैं नॉर्मल सा लगाती हूँ, कोई सा भी मिल जाए, जैसे आंवले का तेल हो, वैसे मैं लगाती हूँ ऑलमंड ड्रॉप्स, बादाम का तेल है जो, उस पर लगाती हूँ। तो अब जब शाम को सूख जाएंगे तब लगाऊंगी तेल। अभी देखो ऐसे साइन साइन दे रहे हैं ना बाल, साइन दिख रहे हैं। अभी सूखे नहीं है अच्छे से ना, अभी हल्के हल्के सूख रखे हैं, तब दिख रहे हैं ऐसे। तो अगर आप लोग भी लगाना चाहते हो ना एलोवेरा, ऐसे लगा सकते हो आप, वैसा पूरा काट के मिक्सी में फेंट के भी लगा सकते हो, लेकिन उसका जो अंदर का गूदा है ना वो बहुत रह जाता है बालों में। तो इसलिए मैं वैसे लगाती हूँ, जैसे नॉर्मली काट के वैसे इस्तेमाल करती हूँ, जैसे मैंने आप लोगों को दिखाया। तो आप लोग लगाते हो तो ऐसे लगा सकते हो। और फिर जैसे बाल धोने के बाद अगर आपके बालों से एलोवेरा अच्छे से नहीं निकल रहा है, तो आप एक बार हल्का सा शैम्पू करके निकाल लेना। वैसे अगर वैसे निकल जाता है तो शैम्पू करने की ज़रूरत नहीं है। और फिर शाम को तेल लगा के दूसरे दिन फिर धो लेना, तो अच्छे हो जाएंगे बालों में, अच्छे से बैठ जाएगा। जैसे आप मेहंदी लगाने के बाद तेल लगाते हैं ना, तो वैसे ही लगाना पड़ता है, तो बाल अच्छे हो जाते हैं और रूसी भी काफ़ी हद तक कम हो जाती है। अब तुरंत तो कम नहीं हो सकती, लेकिन थोड़े दिनों बाद कम हो जाती है। अगर आप हफ्ते हफ्ते में लगा रहे हो तो कम हो जाती है। तो दोस्तों अब आज का ब्लॉग मैं समाप्त करती हूँ, आप लोगों से मिलती हूँ नई ब्लॉग में। अगर आपको ऐसे नए नए वीडियो या ब्लॉग देखने हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कमेंट, प्लीज़ लाइक कमेंट कर दीजिए। तो आज का ब्लॉग अब मैं समाप्त करती हूँ, मिलती हूँ नए ब्लॉग में। तब तक के लिए आप सभी लोगों को बाय बाय।